हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और मैं अच्छी नहीं, मैं इस प्रिजन में फंस चुका हूँ चार दीवारियों में। एक्चुअली मैं कल की बात है ये कि मैं अपने वो सीक्रेट वाले बंदे से मिलकर आ रहा था और वो मिलकर उसने उसके अपने मतलब अपने गाँव में वो जो छोटा सा डब्बा है उस छोटा सा उसका फार्म हाउस है, फार्म हाउस क्या जहाँ पे चीज़ें स्टोर करते हैं, स्टोरेज हाउस जहाँ पे वो छुप के बैठा हुआ है, उसकी जान को खतरा है। वहाँ पे वो लैम्बोर्गिनी चुराने के बाद का मिशन करने के बाद मैं वहाँ पे उससे मिलने गया था, तो उसने बोला कि तुम ना वहाँ पे इस पे मयू टीटू की थोड़ा सा फोर्स पे खत देखो, नज़र रखो। तो मैं नज़र रखने गया, तो मैं जैसे ही इस साइड के लिए वहाँ से विलेज से निकला तो मुझे मयू टीटू के बंदों ने पकड़ लिया और पकड़ के मुझे बेड रॉक की प्रिजन में डाल दिया। मुझे स्किप करना है, मैं स्किप करने मिलता हूँ। और गाइस ये टूट चुका है, सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई, मैं बाहर निकल गया हूँ। चलो मैं नीचे चलता हूँ भाई। मतलब ये जो मिट्टी के ये ब्लॉक्स दिख रहे हो ना, डर्ट ब्लॉक्स, उन लोगों ने लगाई क्योंकि मुझे खाना दे रहे थे इस चढ़कर, और मेरा सामान। तो हम सोचोगे ये मेरे पास नेदराइट का सामान कैसे आया। नेदराइट का सामान मेरा क्यों आया, क्योंकि ना नेदराइट का मेरा उस टाइम जो एन्चेंटमेंट आर्मर था नेदराइट का, एन्चेंटमेंट आर्मर नेदराइट का, वो टूट चुका था। मैं जब बिगवाटे चुराने के बाद भी विलेज में अटैक हुआ था, और वो विलेज अटैक थोड़ा बहुत था, लाइक विलेज के बाहर ही बॉर्डर में था वो अटैक हुआ था, तो उसमें मेरा आर्मर टूट चुका है। और मुझे वो सीक्रेट वाले मिस्ट्रियस वाले बंदे ने मुझे ट्राइडेंट भी दिया है और थोड़ा बहुत नया सामान दिया है, जैसे नया आर्मर ब्लॉक्स सब दिया है। सो अभी मुझे उसने मैंने थोड़ा नज़र वज़र रखने का बोला था कि नज़र रखने के बाद मुझे तुम्हें याद होगा पिछली बार वीडियो में उसने मुझे बताया था कि हम नेक्स्ट अपने को वो दिखाएगा पूरा किंगडम, जिस किंगडम वो अपने को गिफ्ट देने वाला है उस किंगडम का आज वो राजा घोषित करने वाला है मुझे। तो मैं उस किंगडम पे जाने वाला हूँ अभी डायरेक्टली अपना सामान वामान लेकर। तो मैं आपको 5 मिनट से किंगडम देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए 5 मिनट है पर मेरे लिए 1 घंटा है वो, क्योंकि बहुत दूर है वो किंगडम मेरा। अरे मेरा वो कहाँ गया, पेंट कहाँ गया, मेरा पहन लो उसको। सारा सामान सेट है मेरे पास, वाटर बकेट वॉकेट बकेट सब है मेरे पास, खाना अच्छा खासा है। सो चलो अब मैं वहीं पर मिलता हूँ, उस लोकेशन पर मैं निकलता हूँ चलो, क्योंकि जिस लोकेशन पर मुझे जाना है वो मेरा किंगडम पे, जो मैं अब किंगडम का राजा बन चुका हूँ, क्योंकि आज ही उसने मुझे घोषित कर दिया राजा, मैं घोषित बन चुका हूँ अब राजा। सो अब मुझे राजा वाली फील आ गई है, तो अब मुझे इस लोकेशन पे जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, लाइक करोड़ों ब्लॉक्स दूर है, करोड़ों ब्लॉक के लाखों ब्लॉक दूर है मेरा किंगडम यहाँ से, और ये किंगडम का ना पूरा यहाँ तक है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत जाके मिलता हूँ, और शायद अब सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ। आपको मैंने कट करके आपको सीन दिखाया, मैं बाद में वॉइस ओवर दे रहा हूँ क्योंकि उस टाइम मेरा वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था रिकॉर्डिंग टाइम पे, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ। सो मैं वो किंगडम पे पहुँच चुका हूँ, मैं भी पहुँचा नहीं हूँ, मतलब थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और रास्ते हैं, 2000-3000 ब्लॉक और हैं। चल मैं पहुँचता हूँ भाई। तो वैसे योर हो भाई, यहाँ की सिक्योरिटी आ गई है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे हैं ऐसे, तो पता नहीं कोई और गांव के भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है भाई। पर इसी साइड तो आना ही था भाई किंगडम पे, ये ना साइड था किंगडम का ना, पर यही था साइड किंगडम का। चलो ढूंढते हैं, ढूंढना पड़ेगा भाई। इस बंदे ने मुझे अभी तक उसका नाम नहीं बताया, पर उसका नाम मुझे पूछना है एक्चुअली उसका, लाइक अभी मैं किंगडम विंगडम का काम कर, तो मैं किंगडम के पास वहीं जाऊंगा, अपने गांव का अपने टाउन के वहीं पे जाऊंगा, टाउन पे तो मैं उससे पूछूंगा। और सो मुझे ये ट्राइडेंट पता नया दिया है मुझे, उसने नया बना के दिया है मुझे, सो मेरे पास ये नई पावर आई है। और भाई क्या हुआ क्या हुआ, चलो 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 भाई, भाई कितना दूर है और भाई ये किंगडम, ओ भाई लेट्स गो पहुँच गए, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, एंटर पर डालो। अरे अरे गिर गया यार, चलो चलो भाई इंटरपोल मार के चलते हैं। अरे देखो जो तुम दिख रहे ना, ये तो शायद तबीयत खराब है, ये जो दिख रहा है ना जो अभी एरो मार के दिखाया, ये अपना महल नहीं है, ये उसका है क्या बोलते हैं कमांडर का है ये,
सिपाहियों का है। तुम सोच रहे हो कि ये स्मार्टी पाई का है, तो स्मार्टी पाई का किंगडम है, पर जो जिस बंदा जो सीक्रेट बंदा है, वो मिस्टीरियस बंदा जो वो स्टोरेज हाउस में छुप के बैठा हुआ है, उसका उसने ना ये विलेज तो बहुत लाइक ये किंगडम बहुत अजीब सा दिखता था, वो बहुत अलग सा लगता था, पर वो स्मार्टी पाई का फैन था। उसने स्मार्टी पाई के पूरे थीम पर एक किंगडम बनाया। सो तुम लोग कोई कॉपीराइट है कुछ मत डालना, ठीक है? ये स्मार्टी पाई की थीम पे बना हुआ है ये किंगडम, क्योंकि वो जो मिस्टीरियस वाला बंदा है वो स्मार्टी पाई का फैन है, और ये किंगडम पूरा अजीब सा तो उसने नया बनवाया है, रिनोवेट करवाया है। जरा सोचना कर मत। और ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये बैंक है एक्चुअली, और ये बैंक में ना अरबों पैसा बेटा। अब हम लोग एलन मस्क से भी ऊपर बने, हम बहुत अमीर बन चुके हैं भाई, बहुत। माइनक्राफ्ट में असलियत में तो माइनक्राफ्ट में हम बहुत अमीर हो चुके हैं अभी। सो अभी मैं आपको पूरा टूर देने वाला हूँ विलेज, पूरा इस क्या बोलते हैं इस पूरे जो किंगडम का, एम्पायर बोल रहा हूँ पर ये किंगडम है एक्चुअली। सो लेट्स गो, भी टूर देता हूँ मैं भी। ये है हमारा शायद से, ये देखते हैं मैं, जरा मैं भी देखता हूँ है क्या ये। चलो चलते हैं अंदर भाई, क्या है भाई? सब लोग सलाम सलाम कर रहे हैं। सलाम सर। राजा मंडी की जय, राजा मंडी की जय, राजा मंडी की जय, जय हो राजा मंडी। हाँ बे लोग मेरी जय जयकार कर रहे। ओ शिट भाई, ये लोग तुम मुझे मारने लग गया भाई, मेरे से गलती से लग गया भाई, जो माफ कर भाई। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे प्रिजन में, और भाई यहाँ पे मेरे बहुत बंदों को पकड़ के भी रखा है। ये लोगों ने क्राइम करे हैं कुछ, यहाँ पे भी दो लोग क्राइम किया है, इनको फांसी की सजा देंगे हम लोग जब हम लोग इस किंगडम के ऑफिशियली भी राजा घोषित हैं। पर तब भी हाँ, जब हम लोग इस किंगडम में रहने लगेंगे तब से हम सजा देंगे इन दोनों को। तो चलो अभी मैं आगे भी चलते, मैं और आपको घुमाता हूँ। अरे बंदा मुझे मार देगा यार, एंडर पर डाल के भाग जाता हूँ। भागो 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 भागो, अरे भागो भाई, भागो भागो भाई, भागो 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 भाई। फाइनली बच गया। सो अब चलते हैं बैंक में, चलिए चलो फटाफट फट। गेट पे गेट किसने बोला पता नहीं भाई। भाई ब्लॉक कौन लगा रहा है भाई? क्या बैंक है भाई? स्मार्टी पाई जैसा ही है भाई, उसने वैसा ही बनवाया जो बनना है सीक्रेट मिस्टीरियस वाला, उसने वैसा ही बनाया है। कुछ पार्कोर करके वहाँ पे जाना है वो खजाने तक, वहाँ पे यहाँ पे तो हुआ है। अब हम लोग कैसे नॉर्मली घूमते हैं, आ जाओ। ये जो ये विलेजर से सलाम वलाम कर रहे हैं, खाना वाना खा। अरे मुझे ट्रेड नहीं करना था, घटिया चीज़ भगवान से हर मार क्यों रहा हूँ, सॉरी भाई माफ़ करना मुझे। सो मैं खाना वाना खाता है और भाई अच्छे से खाइए। पर ये पूरा विलेज कितना सही है यार, कितना सुंदर है यार भाई, पूरा स्मार्टी पार्क जैसा है भाई। भाई बैंक तो हुआ है अपन, चलो ये ऐसी लोकल शॉप से हम तो कुछ खरीद सकते हैं, वो एक शॉप बंद है भाई। ट्राइडेंट किसका है भाई? ये किंगडम भी बहुत मिस्टीरियस ही मुझे लगता है। मेरे पास अभी एक से बिल्ड पता नहीं कहाँ से है किंगडम तो, और मैं भाई नया ट्राइडेंट कितना सही है भाई। अरे भाई भाई भाई, अरे भागो भागो भागो, ट्राइडेंट नहीं आ पाए, नहीं आ पाए, ले लेते चलो ले लेते, रुक जाओ। हाँ आ गया। तो चलो हम लोग मेन जगह चलते हैं, मतलब हमारे जन्नत में, हमारे कैसल में, लेट्स गो। पर मैं अपना कैसल में अंडरग्राउंड में एक रूम बनाने वाला हूँ भाई। जिस बंदे ने उस बंदे से बात करी है, इसने बंदे ने मुझे रोका और बोलता क्या है कि मुझे बहुत सारे लोगों के सामने स्पीच देनी है, मुझे स्पीच यार भाई, मैं बहुत शाय हूँ तो भाई स्पीच देनी पड़ेगी। चलो भाई भाई, अरे बाबा अभी भाई चलो, मैं जिस जगह पे मुझे जाना है तो के बहुत पास हूँ मैं, पर अभी थोड़ी रात हो रही थी, मैं रात का वेट कर लेता हूँ थोड़ा सुबह होने का, फिर हम लोग बाद में थोड़ा स्पीच देते हैं। मैं बहुत शाय हूँ एक्चुअली यार भाई। एंडरपल ख़त्म हो गई, एंडरपल अच्छी बात है, मैं 4 चेक लाया भाई, 2 चेक तो ऐसे ही खाली हो गए, बस 2 चेक बचे। चलो जगह चलते हैं भाई वो जगह। भाई ये क्या हुआ भाई, अभी तो रात हो रही थी यार,
सुबह भाई इस जगह पहुंच गए थे, इनको आवाज तो नहीं आ रही मेरी। भाई मैं पहले पॉइंट से याद कर लूँ मुझे क्या क्या बोलना है, वो पहले देख लेता हूँ यार। मैं बहुत शाय हूँ, पहले मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, चुप के थोड़ा देखता हूँ कि कैसा माहौल है, फिर उस हिसाब से मैं स्पीच दूंगा, ठीक है? चुप होते हैं ना, सुबह भी हो चुकी है, सो अब मैं स्पीच देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलो एंटरपल मार्केट, वहाँ पे डायरेक्टली जब सुपर हीरो जैसे एंट्री करते हैं। भाई थोड़ा अभी सुबह उजाला हो जाए, थोड़ा चलते हैं देखते हैं भाई ये क्या हो रहा है, रात तो नहीं हो गई। चलो लेट्स गो भाई, चलो मुंह दिखाई करते हैं, रसम करते हैं मुंह दिखाई की। सो हेलो गाइस, वेलकम वेलकम, मेरा नाम है मैंडी और अब मैं किंगडम का नया राजा हूँ। सो जा भाई, मैं बहुत काम और पीसफुल बंदा हूँ, चिल अपन। मैं भाई छोटे से गांव का एक पूरा था, छोटे से गांव का एक राजा था, जो गांव बहुत ज़्यादा पावरफुल था। सो पर हाँ, उसमें से जो तुम्हारा प्रीवियस राजा था, जो पहले तुम्हारा राजा था, मैं उसका दोस्त हूँ, उसने मुझे एक किंगडम गिफ्ट पर दिया है। सो उस किंगडम का मुझे ध्यान देना है। हाँ मुझे पता है उसने थोड़ा ध्यान नहीं दिया किंगडम में, और बस थोड़ा बहुत रिनोवेशन करा दिया। सो या लेट्स को भाई, और अपना सीन है कि भाई अपने को एकदम कोई मारा पीटी कुछ नहीं चाहिए, और हम मैं सबको थोड़ा बहुत एक कॉन्स्टिट्यूशन दूंगा इस किंगडम की, उस कॉन्स्टिट्यूशन को सबको याद कर लेना है। अगर गलती हुई तो भाई तुम जिम्मेदार हो गए, एक बार तुम मेरा थोपड़ा एक बार सब देख लो अच्छे से, मेरा कोई बेरूपी आया उसको बचाना मत। मैं ऐसा ऐसे देखता हूँ, सब ऐसे देखो मुझे, सब देखो मुझे मैं कैसा देखता हूँ, सब देखो, सब अच्छे से देख लो, फोटो खींच लो मेरी, अच्छे से देख लो सब। सो हाँ, पर मुझे थोड़ा सा काम डाउन चाहिए मामला, और कोई हम पे किंगडम पर अटैक करेगा उस बंदे को हम ख़त्म कर डालेंगे, फोड़ डालेंगे। मेरे पास इतने खतरनाक कनेक्शन हैं, मेरे पास बहुत खतरनाक वेपन हैं, ठीक है? सो मुझे कोई इतना गुंडागर्दी कुछ नहीं चाहिए, मैं बच्चों से बहुत दोस्ती करके रहता हूँ और सब काम डाउन से रहता हूँ, ठीक है? सो इसलिए मुझे कोई, आप सब ऑफिसर्स हैं मुझे पता है, आप ये अपने एरियाज में, आप सब MLA एक टाइप से, आप सब MLA टाइप से हो। सो आप MLA अपने एरिया में बता दो कि नया किंगडम आया, और जो जितने भी मैं आपको मैंने बेसिक रूल रेगुलेशन बताए सबको बता देना। मैं जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन दूंगा इस मैंडी किंगडम की, वो किंगडम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सब बंदों को याद दिलाना चाहिए मुझे, स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मारा पीटी चाहिए, सब लोग हम मिलकर मेहनत करेंगे, और तुमने यहाँ पे आके देखिए हिम्मत कैसे कर दी, और बेमतलबी बोल रहा है भाई, बेमतलबी बोल रहा है भाई बंदा। नहीं तो अगर किसी ने ऐसा करा और कुछ बुरा काम किया तो ये त्रिशूल बाण धनुष ऐसे पड़ेंगे, ठीक है ना, जैसे बंदे को पड़े। स्टेज पे आने की तेरी हिम्मत कैसे हो भाई, और वो भी तू इतनी गंदी लैंग्वेज में बोल रहा है, ठीक है भाई? यहाँ पे सब अच्छे हैं, और सब MLA से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे रूल रेगुलेशन प्लीज बता दो, नहीं तो भाई अपना किंगडम थोड़ा बिगड़ जाएगा। इस किंगडम को मुझे रिपेयर करना है और अच्छा बनाना है, सबसे खतरनाक किंगडम है अपन, अभी सेकेंड पोजिशन में। तो मैं आपसे बाय करता हूँ, चलो मैं चलता हूँ भाई। बंदा अटैक क्यों कर रहा है मेरे पे भाई, मुझ पे तू अटैक, भाई तू गया बेटा, तूने मुझे अटैक कैसे किया? मैं घमंड नहीं दिखा रहा गाइस, पर भाई इस किंगडम को मुझे सही करना है, और किंगडम को बहुत पावरफुल बनाया, क्योंकि मयूर टीटू को हमें हराना है, इसलिए किंगडम को शक्तिशाली बनाना है। भाई तू अब गया, तू तो गया बेटा, मैं डरता नहीं बेटा, आजा 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 तेरी तो। बेटा तूने मेरे पे हाथ कैसे उठाया? अच्छा ठीक है भाई, भाई मैं इससे ज़रा बंदे से बात कर। बेरूपी है, हमारे राजा के बेरूपी है, तूने हमारा राजा किसी को बेमतलब मारता नहीं है, बेरूपी है तो बेरूपी है। बेटा तूने मुझे बेरूपिया कैसे बोला, मैं ही तेरा राजा हूँ, ठीक है ना? अब बेटा तेरी मृत्यु निश्चिंत है बेटा, अब तू मरेगा, यू विल डाई ब्रो। चल बेटा अब तू गया, बेटा तू गया मेरे बेटे, मरने वाला है ना भाई। इसको तूने अपने साथी को भी भड़का दिया,
मेरे खिलाफ। अब तुम दोनों गए बेटा। दीदी तो पहले तो मैं तेको ही खत्म करूंगा बेटे। भाई भाई भागो थोड़ा सा भाई, तो शक्तिशाली है सनिया। खाना रखो बेटा, तुम गए बेटा। तूने मेरे पे हाथ उठाया कैसे? तू गया, खाना वाला खा। भाई मेरी हेल्थ क्यों नहीं पूरी हो रही? भाई ये क्या ग्लिच है भरा? भाई मैं आज मेरे टंग बहुत स्लिप हो रही है, तो ज़रा माइंड मत करना, मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है इसलिए मेरी टंग स्लिप हो रही है। ठीक है भाई, सॉरी भाई, पर तू क्यों मुझे मार रहा है भाई? मतलब यार तुम दोनों, भाई तेरा तो ठीक है पर जो टूट फूटा हुआ है भाई, इधर हट ना यार। भाई मैं सच के साथ हूँ मैं, और बुराई का मैं बहुत दुश्मन हूँ, बुराई का बहुत। अब तू गया बेटा, तू गया। तूने मुझे बहरूपिया बोला कैसे? तू गया बेटा, तू धनुष से गया। तेरी तो आजा हट, आजा आजा आजा, एक और खाएगा। पट से हेड शॉट, पट से कंधा शॉट, तू तो गया बेटा। अरे अरे अरे, ब्लॉक क्यों तोड़ रहा हूँ? एक्स से मारूंगा, हट। अरे भाई भाई, मारा 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 उसने, खत्म बेटा। एक लास्ट के एक शॉट मारा है बेटा, मुझे इसके साथ माता पच्ची नहीं करनी, इसकी कोई गलती नहीं है। इसको बला पुसला है उस बंदे ने, तो उसकी कोई गलती नहीं। तो मैं, चलो मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। सो गाइस, आपसे तो ये एक एक सेकंड था, पर मेरे लिए बहुत घंटे का सफ़र है। अरे भाई तू जाना यार क्रीपर। सो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ, मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ पता है ना, इसलिए मैं डायरेक्टली आप वॉइस पहुँच गई। सो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ, और चलो मैं अपने गांव पहुँच तो चुका हूँ। अरे भाई एक और क्रीपर आ गया। सो अभी बारिश हो रही है, तो लेट्स गो देखते हैं। अरे यार, अरे जान दे मुझे क्या करना। वेट भाई, ये क्या है भाई? इतना लावा कैसे है यहाँ पे भाई? क्या है ये भाई? इतना लावा कैसे है यहाँ पे यार? भाई मैं उसी बंदे मिस्टीरियस वाले बंदे से पूछता हूँ एक बार। पहले मैं मेरा घर चलता हूँ, पर एंटर पॉइंट मार के चलता हूँ मैं पहले अपने घर चलता हूँ, पहले एंटर मिल पा रूँ। भाई एंटर पॉइंट मार के उस बंदे के पास ही चलता हूँ। वो भाई मैं इस घर पर अपने घर पे पहुँच चुका हूँ। भाई भाई यहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन है भाई, यहाँ पे ब्लॉक कैसे लगा वैसे यार? भाई यहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन है यार, घर के अंदर एक बार देखता हूँ। भाई मेरे आधे से ज़्यादा पेट मर चुके हैं बेटा, जिसका भी काम है ना ये, मैं एंटर पर लेने आता से बहुत सारी, और फिर जिसका भी काम है ना, खाना भी ख़त्म हो गया मेरा, फिर जिसका भी काम है उस बंदे को मैं फाड़ने वाला हूँ बेटा। नेक्स्ट वीडियो में उस बंदे को फाड़ने वाला हूँ मैं। अभी मैं वो मिस्टीरियस वाले बंदे के पास चलता हूँ फटाफट से। भाई अभी इसको रिपेयरिंग का काम बाद में करूँगा, उस बंदे के पास ही चलता हूँ मैं। यार ये काम किसका यार? ये यार मैं इसको तोड़ के ना इंटरपोल से चल जाता हूँ। भाई भाई भाई, इतने सारे गोलम उस पर कर क्या रहे हैं? इतने सारे मैंने यहाँ पे इतने सारे गोलम नहीं लगवाए थे यार। भाई ये सब क्या है हो रहा है यार? भाई पिछली बार मेरे से ये ब्लॉक एक बार लगा नहीं था गलती से, तो मैं यहाँ पे लगा लूँगा बाद में। अभी तो मैं नॉर्मल डर्ट और कॉबल स्टोन ही लगा देता हूँ, किसी को दिख ना मैं क्या कर रहा हूँ अंदर, और कभी किसी को पता नहीं कि मैं अंदर गया हूँ। ब्लॉक लगा लेता हूँ एक। भाई मिस्टीरियस वाले बंदे, भाई तेरा नाम क्या है वैसे? तू आज बता भाई, अब मुझे सच टाइम आ चुका है भाई, वैसे तू कैसा है? मैं मुझे अपना नाम बता ही देना चाहिए। मेरा नाम है मैट्रिक्स, और भाई जो तू देख रहा है ना, इतना सारा काम, जो डिस्ट्रक्शन, ये तो कुछ नहीं है। जब तू जेल में बंद हुआ था, मैंने पूरी फोर्स लगा दी थी तेरे को ढूंढने के लिए, पर भाई तुझे नहीं मिला। और पर उससे मैं मायूस हुआ, टीकू की आर्मी आके यहाँ पे इतनी डिस्ट्रक्शन करी और तेरे को ढूंढने आए थे, और तूने रास्ते में मिल गया और मेरे को बेड रॉक केज में डाल दिया, मुझे सब पता है। पर भाई इतनी सारी डिस्ट्रक्शन मयू टीकू ने करी है, इतने खतरनाक खतरनाक वेपन्स आए थे भाई, मैं कुछ नहीं बता सकता तेरे को। और भाई भाई मुझे खुद बुरा लगा रहा था, डिस्ट्रक्शन हो गई है, तेरे को भी बुरा लगा, तेरे पेज खत्म हो गए भाई, समझ सकते हो। तूने मुझे बताया नहीं कि तेरा नाम मैट्रिक्स है, और भाई तू लिटरली की बात बता, मेरे पेट्स मर चुके हैं। अब बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में मयू टीटू को छोड़ने नहीं वाला। अभी वीडियो एंड करने के बाद अपन दोनों डिस्कस करते हैं,
पर बेटा अब नेक्स्ट गाइस अब नेक्स्ट वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। Mayu T2 का एंड अब आने वाला है, बहुत जल्दी Mayu T2 का एंड होने वाला है गाइस। सो Mayu T2 अब तुम खत्म हो बेटा। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर है आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई। पर अब Mayu T2 को मैं नहीं छोड़ने वाला भाई। दोनों जो उन्होंने मेरे साथ किया है भाई, मेरी फीलिंग हर्ट करी उन लोगों ने, मैं नहीं छोड़ने वाला भाई। ये कंपनी कंप्यूटर को घाट लगा रहा हूँ मैं भाई। पर अब Mayu T2 को नहीं छोड़ेंगे अपन। मैट्रिक्स, इसका नाम मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स अपन Mayu T2 को नहीं छोड़ेंगे, ख़त्म कर देंगे भाई अपन। Mayu T2 तुम्हारा एंड भाई बहुत खतरनाक वाला है। अब तुम गए बेटा, ये तक खतरनाक किस ट्राइडेंट से पड़ेगी, तुम गए बेटा। Mayu T2 तुम्हारा अंत आने वाला है।